दोस्तों आप सभी का स्वागत है ड्रीम थ्रॉटल के एक ब्रांड न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम zx6r और Yamaha r6 को कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही बाइक इस कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बाइक है, तो आज हम इन दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे कौन सा बाइक ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों zx6r में आपको हेडलाइट एंड टेल लाइट LED मिल जाता है, लेकिन दोस्तों टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब मिल जाता है, लेकिन r6 में आपको हेडलाइट टेल लाइट एंड इंडिकेटर ऑल LED मिल जाता है। एंड दोनों ही बाइक में आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिल जाता है। एंड दोनों ही बाइक ट्रैक फोकस बाइक है, तो आपको ज्यादा कम्फर्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन वो पावर जरूर मिलेगा। ये दोनों ही बाइक 600 कैटेगरी में आता है, लेकिन zx6r में आपको 636 cc का 4 सिलेंडर 16 वाल्व 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लिक्विड कूलिंग इंजन दिया गया है। एंड इसमें आपको कंप्रेसर रेशियो मिल जाता है 12.9:1 का। एंड r6 के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 599 cc का इनलाइन 4 सिलेंडर 16 वाल्व 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। एंड इसका कंप्रेशन रेशियो है 13.1:1 का। एंड इस बाइक में भी आपको लिक्विड कूलिंग दिया गया है। अब दोस्तों ये बताना मैं भूल गया था कि zx6r में भी आपको इनलाइन 4 सिलेंडर मिल जाता है। तो दोस्तों zx6r में ज्यादा बड़ा इंजन दिया गया है एंड कंप्रेशन रेशियो के मामले में r6 ज्यादा अच्छा है। एंड zx6r पावर प्रोड्यूस करता है 126 bhp 13500 rpm पर। एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 70.8 नैनोमीटर 11000 rpm पर। एंड r6 पावर प्रोड्यूस करता है 116.8 bhp 14500 rpm पर। एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 61.7 नैनोमीटर 10500 rpm पर। तो दोस्तों पावर एंड टॉर्क दोनों ही मामले में zx6r ज्यादा अच्छा है। दोस्तों दोनों ही बाइक में आपको 17 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, लेकिन दोस्तों माइलेज के बारे में सुनने के आपको थोड़ा सा शॉक लग सकता है, तो दोस्तों थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। तो दोस्तों zx6r का इंजन बड़ा होने के बाद भी इसमें आपको 23.6 kmpl का माइलेज मिल जाता है। एंड r6 का इंजन थोड़ा सा छोटा होने के बाद भी इसमें आपको 15 kmpl का माइलेज मिल जाता है। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से इन दोनों को अगर एक साथ भगाया जाए एक ही स्पीड में तो इतना ज्यादा माइलेज का डिफरेंस नहीं होगा। तो दोस्तों zx6r आपको 10.49 लाख में मिल जाता है एंड yzf-r6 आपको 14 लाख में मिल जाता है। दोनों ही प्राइस एक शोरूम प्राइस है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो zx6r में आपको तो दोस्तों वेट के मामले में r6 ज्यादा है। दोस्तों टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो zx6r में आपको टॉप स्पीड मिल जाता है 281 किलोमीटर पर आवर का एंड r6 में आपको टॉप स्पीड मिल जाता है 262 किलोमीटर पर आवर का। तो टॉप स्पीड के मामले में zx6r ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट आपके सामने मैं लाया, आप डिसाइड करो आपको कौन सा बाइक लेना है। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा बाइक अच्छा लगा। और इस चैनल में नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना और ड्रीम थ्रॉटल फैमिली में एंट्री हो जाना और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए तैयार हो जाना। तो गुड बाय दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी किसी और एक दिन और एक वीडियो में।